जुमला स्ट्राइक नंबर एक 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, जुमला स्ट्राइक नंबर दो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार। नामदार के आग्रह में प्रार्थना ही कर सकता हूं, क्योंकि हमने देखा है एक ऐसी मानक प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष को किस भाषा प्रयोग किया गया, क्या कभी होता है क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? आज भी हिंदुस्तान के हर सिपाही जो सीमा पर होगा, जो निवृत्त होगा, आज उसको इतनी गहरी चोट पहुंची होगी जिसकी सदन में बैठ करके हम कल्पना नहीं कर सकते। जो देश के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों की पराक्रम को, उन पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको गालियां देनी है तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है, लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं उनको गालियां देना बंद कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक, इस प्रकार से सेना को अपमानित करने का काम निरंतर चलता है। हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई और वो चाइना के सामने खड़े हुए, मगर उसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं और बिना एजेंडा के सामने कहते हैं कि बिना एजेंडा बात होगी, ढोकलाम को हम यहां नहीं उठाएंगे। बिना एजेंडा नहीं था, ये चाइना का एजेंडा था। चाइना के सामने जो हमारे सैनिक खड़े हुए, वो काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए और सैनिकों का प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। जब सारा देश, सारा तंत्र, सारी सरकार एकजुट होकर के डोकलाम के विषय को लेकर के प्रवृत्तिशील थी, अपनी अपनी जिम्मेवारियां संभाल रही थी, तब जो आज डोकलाम की बातें करते वो चीन के राजदूत के साथ बैठते हैं। कभी ना तो कभी हाँ, जैसे फिल्मी अंदाज में चल रहा था, नाटकीय ढंग से चल रहा था। कोई कहता था मिले, कोई कहता था नहीं मिले, फिर कहते थे मिले, फिर कहते थे नहीं मिले। क्यों भाई ऐसा सस्पेंस क्यों? मैं समझता हूं और कांग्रेस प्रवक्ता ने तो पहले साफ मना कर दिया था कि उनके उपाध्यक्ष चीनी राजदूत को मिले ही नहीं है। इस बीच एक प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई और फिर कांग्रेस ने मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, हाँ मुलाकात तो हुई थी। क्या देश देश के विषयों कोई गंभीरता नहीं होती क्या? क्या हर जगह पे बचकाना हरकत करते रहेंगे क्या? हम चाहते थे कि एक GST हो, पेट्रोल डीजल उस GST में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री की GST, 5 अलग अलग GST और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, उतार दिया और करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन आंख में आंख डाल करके आज सत्य को कुचला गया है, बार बार कुचला गया है, सत्य को बार बार रौंदा गया है। यहां कहा गया कांग्रेस ही थी
जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए? मैं जरा पूछना चाहता हूं, अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी तो कांग्रेस का इतिहास है, अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकारों का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी तब पेट्रोलियमों को बाहर रखने का, जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था। आपको यह भी मालूम नहीं है? अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही है, मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए।